नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अब 20 मई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 20 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर अंतरिम राहत दी गई तो केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। ताज़ा मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को शराब नीति से जुड़े ईडी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तार। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर उससे यानी ईडी से जवाब मांगा था। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ अवैध नहीं था और बार बार समन जारी करने और जाँच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास यही विकल्प बचा था। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से उसकी जांच में देरी पर सवाल उठाया और एजेंसी से आप नेता की गिरफ्तारी से पहले मामले की फाइलें पेश करने को कहा। पीठ ने ईडी से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलें पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।